बहुत से खिताब मिले हैं, द हाईवे मैन, द एंटरप्रेन्योर, मिनिस्टर। आपकी सोच ऐसी है कि बिजनेस और इकोनॉमी आगे कैसे बढ़े? 9 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो शायद रोड और हाईवेज के सेक्टर में है। 54,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड द एवरेज बिल्डिंग ऑफ रोड्स हैज गॉन अप फ्रॉम 12 किलोमीटर्स पर डे टू अबाउट 28.5 किलोमीटर्स पर डे। नितिन गडकरी जी, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर। नितिन गडकरी जी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि सीक्रेट क्या है इस सक्सेस का, कौन सी चाबी लगाई है आपने कि ये काम जो पहले धीरे चल रहा था वो अब तेज हो रहा है? सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपके बात को सुधारता हूं। इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ाना ये तो देश के लिए अच्छी बात है, पर मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री और बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने वाले जो इन्वेस्टर है, दे आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी। अगर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी अगर करनी है, सही में हमको ये सपना पूरा करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से रोजगार निर्माण करना होगा, और रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करना होगा। जब हम तीन चीजें डेवलप करेंगे तो हमको चार चीजें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दैट ये नहीं होगा, और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड, बिजनेस डेवलप नहीं होगा तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। और मैं केवल एक छोटी सी बात आपको मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रहा हूं, जो आपको आगे की विजन में बहुत मजबूत करेगी, कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये टोटल साइज है इंडस्ट्री का 7,50,000 करोड़। इसमें से 3,00,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, और अभी हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम इसको 15,00,000 करोड़ का करेंगे। ये जो इंडस्ट्री है इसने देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए अभी तक, और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी दिया है। अभी हम वर्ल्ड में 4th नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर हम हैं, और 4th नंबर पर अब जापान चला गया। ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे, और जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा। जो बात आपने हाईवे के बारे में बताई, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, बहुत लोगों को एक परसेप्शन है कि मैं इंजीनियर हूं। अभी फिलहाल मुझे 6 डिलीट मिली, तो मैं 75 में एसएससी में था, तो इमरजेंसी लग गई तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में मैं बाहर निकल गया, तो मुझे 52% ही मार्क मिले हैं, और साइंस में 49.26% मिले हैं, तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। तो अब मुझे कभी कभी 6 डिलीट मिलने के बाद भी डॉक्टरेट लगाने के बारे में बहुत संकोच होता है, तो मैं कोई इतना होशियार नहीं हूं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक बार मीडिया में कही थी, कि मुझे धीरूभाई अंबानी जी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर उस समय मैंने रिजेक्ट किया था, काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उस समय 3600 करोड़ का था 1995-96 में। तो स्वाभाविक रूप से ये कैसा होगा, तो मैं पुणे में गया था, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप ये रोड कितने साल में पूरा करोगे, तो मैंने कहा 2 साल में, तो आपको पैसे कितने लगेंगे,
तो मैंने कहा 1600 करोड़ 1800 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं, तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए हैं। तो पूरी मीडिया लोग हंसने लगे और एक ने पूछा कि आप कुछ भी बोलोगे और हमने लिखना चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? नहीं। तो कौन सी बात है कि आप बोल रहे ये होगा? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और वो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा, ये कहा उनको कि इफ देर इज ए व्हील देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो व्हील देर इज ओनली सर्वे डिस्कशन सेमिनार कमिटी सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो माई स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल व्हील, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, 100% करप्शन फ्री सिस्टम एंड कमिटमेंट फॉर द क्वालिटी। कुछ बातें जो है वो, और कुछ जो है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर से जब डील करता हूं तो अच्छा काम करता हूं तो पब्लिकली तारीफ करता हूं, और काम गलत होता है तो उसकी धुलाई करने में भी कोई संकोच नहीं करता। लेकिन नितिन गडकरी जी, यू आर कॉल्ड द मोस्ट फ्रैंक मिनिस्टर, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बता नहीं सकते आज ऑडियंस को? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेकिंग न्यूज बने। सर, आप हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हमारा ब्रेकिंग न्यूज का धंधा है। देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है, मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था, वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाला रोड पर बैठे, और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा, और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तो तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। हमारे जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होते हैं, वो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, मुझे याद है मैं 95-2000 में मंत्री था मुंबई में, अगर आपको मौका मिला, आप मुंबई से ज्यादा हो, ये जो जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी तक फ्लाईओवर बना है, एक श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है, अभी शायद नहीं है, वो हांगकांग से मैंने उनको लाया था, उसके एक्सपेंशन ज्वाइंट देखो, कभी आपको पेट पे पानी नहीं था, बेस्ट है, गैमन ने बनाया था ब्रिज वो। अभी हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, तो मैंने देखा ये कहां से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब मेरे ध्यान में आया कि सहारनपुर में ये कोई हथौड़ा टेक्निक से कोई बना के लगाते हैं। फिर मैंने जहां जा गया तो मैंने बोला देखो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स खराब निकले तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की धुलाई करूंगा। अब वो धीरे धीरे ओके, अब क्वालिटी सुधर गई। पहली बात यह कि क्वालिटी के बारे में दो चीजें आवश्यक है। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी बात, वैसे भी मुझे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत प्रेम है तो मैं 1/3 यूज को कम करना चाहता हूं। और तीसरी बात, हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आसाम के बांबू को लाकर क्रैश बैरियर बनाया और वो ऑल टेस्ट पास करके अब सक्सेसफुल हुआ और देश में हम उसको लगा रहे हैं। हमने 50,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं, अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं, 3.5 करोड़ ट्रीज हमने 3 मीटर के ऊपर की प्लांट की है, और अभी परली जो होती है राइस स्ट्रॉ, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, तो हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। अब हमने तय किया है 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 30 लाख टन हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हमने तय किया कि अब ये बिटुमिन सक्सेसफुल हो गया हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, और ICCR ने प्रूव करके टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया कि बिटुमिन से राइस स्ट्रॉ परली से हम बिटुमिन बनाएंगे। तो अब मैं 30 लाख टन बिटुमिन हमारे किसान बनाए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। हमने दिल्ली में 3 कचरे की टेकड़ी है, अभी उसको हमने डाउन कर दिया, 20 लाख टन कचरा ये UER2 रोड में हमने डाला और अहमदाबाद डोलेरो रोड में 20 लाख टन डाला, और अभी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि हम कचरे को रोड के अंदर डालें। हम 7% प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं
और जो रबर टायर होते हैं उसको इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी वेस्ट, जो सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात हो रही है बहुत बड़ी है, इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ। तो अब मैंने भूपेंद्र जी को कहा कि इसको परमिशन दो, और आज हम वो रबराइज पाउडर बिटुमेन में डालकर रोड की क्वालिटी भी सुधर रही है और कॉस्ट भी कम हो रही है। तो हमने अभी बहुत सी बातें ऐसे कर रहे हैं हम लोग जिसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल पर भी मेरी मिनिस्ट्री बहुत, आज मैं हाइड्रोजन कार में आया हूँ यहाँ। बिल्कुल, आज आपने स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन कार में आप आए हैं, बायोफ्यूल्स पे बहुत काम किया है आपके मंत्रालय ने। इकोलॉजिकली यू आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस, साइड प्रोडक्ट केजरीवाल जी की भी हेल्प कर रहे हैं, सारे कचरे के ढेर कम कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं करता और किसी की विरोध नहीं करता। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय बिजनेस, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, और मैं मानता हूँ ये देश सबका है। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, जो देश के लिए आवश्यक काम है वो कोई भी गवर्नमेंट का हो। मैं उन नसीबवान लोगों में से हूँ कि माय आइडेंटिटी, मेरी आइडियोलॉजी बहुत ओपन है, एंड माय आइडियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। पर मैं पार्लियामेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जब चर्चा हुई तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 75 लोग बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सबने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया। तो मैंने उनको कहा कि जो सही काम है वो सबका होगा और गलत काम अपने का भी नहीं होगा। तो जो काम होता है, कोई वो कचरा उठाना, ये कोई केजरीवाल को मदद करना या ये बात नहीं है। दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करना हमारा मिशन है। मैं 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहा हूँ और इस साल एंड में मेरे 90% काम पूरे होंगे। और ये 65,000 करोड़ है वो जैसे हवा वाली बात नहीं है, ये लिस्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट की और डेट है कौन से तारीख को कौन सा पूरा होगा। और दिल्ली ये वर्ल्ड का पोल्यूटेड सिटी है और दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने का एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि ट्रैफिक जाम कैसे होता है, पूरा उसका स्टडी किया। और दिल्ली को अब ब्यूटीफाई भी करना है और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाकर, ये जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति देकर दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ये एक कार्यक्रम किया। और ये महानगर पालिका भी सहयोग मिलती है, DDA का भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का। 6,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो यमुना में दूषित पानी को सुधारने के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए, जायका का बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो ये कभी हमारी सरकार में हमने इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मिस्टर नितिन गडकरी, यू हैव मेनी अचीवमेंट्स टू योर क्रेडिट, वेदर इट इज बिल्डिंग 100 kilometers ऑफ रोड्स इन 100 hours, वेदर इट इज टेकिंग अप द एवरेज रोड बिल्डिंग स्पीड फ्रॉम 12 kilometers टू 28.6, बट हैज इट बीन गुड गोइंग ऑल थ्रू और have there been problems on the way and structural problems that you still feel need to be addressed and that need a little bit of further push? Dekhiye, 2-3 din pehle main NHAI mein gaya tha aur hamare RO PD kareeb 400-500 logon ki 2 din workshop hui, main us din din bhar tha। Swabhavik roop se एक बार NHAI की बिल्डिंग बनी तो वो 1.5 साल के बजाय 4.5 साल में बनी, और मेरा भाषण था इनॉग्रेशन का और मैंने खूब भाषण में धुलाई की। मुझे भी पता नहीं कि मैंने बोला मैं, और ऐसे लाइट मूड में मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं क्यों करूँ। आप 1.5 साल का काम 4.5 साल में किया, 150 करोड़ का काम 460 करोड़ में लेके गए। तो मेरा भाषण इतना वायरल हुआ कि मुझे YouTube से वैसे हर महीना बहुत पैसा मिलता है तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत जगह पर पहुंचा है। प्रॉब्लम यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। मैं अभी भी समाधान ही नहीं हूं पूरी तरीके से, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो सिस्टम में है। एक चीज आपको कभी इसको आप सोच के आगे बढ़ा सके तो जरूर करिए, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इस बार पहली बार मैंने PD और RO को परफॉर्मेंस ऑडिट का सेक्रेटरी को देकर एक चार्ट दिया है कि
कि आपने इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस का क्लियरेंस कैसे किया, लैंड एक्विजिशन कैसे की, कितना काम अवार्ड किया, कितने ब्लैक स्पॉट आपने इम्प्रूव किए, आपके एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे 25 विषय निकाले। और मैंने उनको कहा कि इस 25 सब्जेक्ट के ऊपर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा होगा वो चेक करेंगे, बाद में आपको प्रमोशन देंगे, सीआर में वो लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हम सबको आपको दे देंगे, अच्छा ऐसा नहीं होगा। समवेयर अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और जो काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, बट इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड सैक देम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, कंपटीशन होती है। अब हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7, और ये मैंने थोड़ी किया है। दैट क्रेडिट इज नॉट नितिन गडकरी क्रेडिट, द क्रेडिट गोइंग टू द टीम। और मैं उनको अच्छी बात मैंने समझाई कि वो बहुत ही मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, द टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। एंड कलेक्टिव टीम स्पिरिट में मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। माई रिलेशनशिप विथ माई सबॉर्डिनेट पीपल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो आज इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस स्टोरी थी, जो रोड बहुत अच्छे तरह कम समय में हुआ, जिसको बोनस मिला, उसका प्रेजेंटेशन हुआ। और जो 5 साल से चल रहा है, किन किन लोगों ने जो भी जिन्होंने कहा ना प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी, तो वैसे ही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के विलन कौन कौन है, किसने रोका, निकालो उनके नाम लो, और फिर उसकी केस स्टडी हुई। और केस स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हम ये मिस्टेक रिपीट ना करें। मिस्टेक एक बार हो सकती है, करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ही मिस्टेक 10 बार करने का अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदलता है और बहुत, और लोग ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं, और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के कारण ही जो कुछ है वो मिलता है। मंत्री करके मुझे ज्यादा क्रेडिट मिलता है। नितिन गडकरी जी, इवन दो यू हैड 49.26% इन SSC, आपकी एलजेब्रा तो बहुत अच्छी है। लेकिन 400 प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी न किसी लॉक जैम में फंसे हैं, इनको निकालने के लिए आगे क्या प्लान है? देखिए, ये सच्चाई नहीं है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छोटे से काम के कारण भी नहीं मिलता। जैसे एक छोटे से 100 किलोमीटर के रोड पर एक किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट बंद रहता है। वो हम लव क्लियरेंस के पीछे लगते हैं, जब मिलेगा तब उसको फिर करते हैं, तब तक तो वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है। कई लैंड एक्विजिशन की केस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो स्टे देते हैं तो वो लटक जाता है। तो इसलिए ये 400 में से सीरियस जो है वो 30-40 प्रोजेक्ट है। पर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना, ऐसे हमारे IDBI बैंक वाले, इनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट थे, तो उस समय 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। 3,00,000 करोड़ का लगभग NPA हो गया था। और मेरे डिपार्टमेंट ने और हमने लगातार रात को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक बैठकर बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी बैठकर, हम बैठते थे, एक सेक्शन ही था। और मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूं कि हमने 3,00,000 करोड़ के NPA से भारतीय बैंकों को बचाया। और मैंने अभी बैंकों को भी कहा कि तुम परफॉर्मेंस गारंटी देना है, ये 1-1 साल 6-6 महीने देते नहीं, तो मैंने अभी इनका बिजनेस खराब किया। मैंने कहा हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए और अभी हमने उसको लॉन्च किया, अब 3-4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी हमारे आती रहती है, जाती रहती है। अब इंश्योरेंस बॉन्ड आ गया, इनका बिजनेस चला गया, अब तुरंत होगा। तो जितना रिफॉर्म करना है सिस्टम में, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं लेना, जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना। अभी मशीनरी जो है वो डीजल पे चलती है। अब मेरा एक प्रयास है, कठिन है वो, कि अभी मशीनरी को हाइड्रोजन पर और उसके साथ साथ LNG पर और इलेक्ट्रिक पर कैसे लाए, इलेक्ट्रिक ट्रक का कैसे उपयोग हो,
तो मैं सोच रहा हूं कि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल को छोड़कर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेंगे उनको हम कुछ इंटरेस्ट कम करके कुछ लोन देंगे। अभी ये जो सेग्रीगेट करना है कचरा, इसके लिए एक मशीन लगती है जैसे ग्लास मेटल प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है, वो वेस्ट फिर हम लोग रोड में डालते हैं। तो मैंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो मशीन कचरे पे लगाएगा और पूरे कचरे से हमारी जो हम एग्रीगेट दूर से ला रहे हैं उसमें हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करो, उससे लाने से ही हमको पुराएगा और वो अपना काम कचरा खत्म करके डाल के बाद में मशीन बेच देगा या जो करना है वो करेगा, तो वायबल है। धीरे धीरे ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव है कि जिससे हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा करें और कॉस्ट को भी कम करें, तो ये भी कोशिश हमारी चल रही है। नितिन गडकरी जी, काम जितना भी हो, मिनिस्ट्री जितनी भी चलानी हो, अल्टीमेटली तो जिंदगी पॉलिटिक्स पे चलती है। आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को क्यों कन्विंस नहीं कर पाते इस तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस का रिलेशनशिप है वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप लोग सिर्फ सेंगोल को प्राथमिकता देते हैं, पार्लियामेंट में लाते हैं, लाइंग डाउन एंड ऑल दैट करते हैं, लेकिन द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर प्राइस राइज, बैड एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू मिस्टर राहुल गांधी? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि जो पॉलिटिक्स मैं करता हूँ, और मैं आपको कहूंगा कि कभी आप इस बात को मान्य होता है तो इसको जरूर प्रपोगेट करिए, पॉलिटिक्स जो है वो पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। वी नीड टू हैव नाउ न्यू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब, राजकारण का मतलब समाजकारण, राष्ट्रकरण और विकासकरण। राजनीति का मतलब लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या धर्मनीति। मैं 80% सोशल वर्क करता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार देने में सेवा करना इज ए ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे आपसे भी शिकायत है, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पावर पॉलिटिक्स को देते हैं, ये बहुत ज़्यादा चलता है, इसने क्या क्या, उसने क्या क्या। अब लोगों में इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लोग नए इनोवेशंस, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, किए हुए अच्छे काम ये देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चलता है, ये जो बेंच होते, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो वो बेंच में आदमी बैठने के बाद वैसे ही बोलता है उसका कारण अपोजिशन वाला अगर थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो आप तुरंत हेडलाइन दे देते हो, अपोजिशन वाले ठंडे पड़ गए, वो बोलता है ऐसा लिखा है क्या, और गर्म होकर बोलता है फिर। अच्छा, तो ये हमारी गलती है कि राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं? देखो, अपोजिशन पार्टी में उनको ये बोलना ही है। मुझे बताइए कि 75 साल में जो कांग्रेस को इतने साल मिले, उन्होंने एजुकेशन से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब बातों का आप एक बार कंपेरिजन करिए। जो इस 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया, उसकी तुलना करें तो कई गुना हमने ज्यादा काम किया है। ये उनको भी मान्य, जब अनऑफिशियली बोलते तो अच्छा काम हुआ है करके मान्य करते हैं, पर एक बात, 100% सेटिस्फेक्शन और 100% काम हुआ ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिलती है उसको कार चाहिए, कार चाहिए उसको मर्सिडीज चाहिए, और मर्सिडीज है वो हवाई जहाज खरीदना चाहता है, और जो 4 हवाई जहाज खरीदता है वो भी दुखी होता है। तो ये कभी ना कभी ऐसा है कि समाधान मानने पर होता है, पर एक बात जरूर है कि जो आपके इकोनॉमिक ये जो डिस्कशन है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हमारे GDP ग्रोथ में हमारी 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52-54% सर्विस सेक्टर से आता है, और 12% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। हमारी 65% पॉपुलेशन रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इंडिया के साथ डिपेंड करती है, जो बात उन्होंने कही जल जमीन जंगल और जानवर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि किसान अन्नदाता नहीं, अब ऊर्जादाता बना। मैं दो, आपको याद होगा 2004 से मैं इथेनॉल मैंने स्टार्ट करके चिल्ला रहा था, आज वो 1,00,000 करोड़ की इकोनॉमी बन गई। अब हाइड्रोजन कचरे से बनेगा, गंदे पानी से बनेगा,
और किसान अब डांबर से बायोमास से बिटुमिन बनाएगा और बांबू को काट करके व्हाइट कोल बनेगा, रूरल एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बदल जाएगी। जिस दिन हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% पे नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारा देश दुनिया में आगे नहीं जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स और करीब 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया। अभी तो आप कांजी बैठे नीति आयोग में, जब ये थे तो नीति आयोग ने ये आइडेंटिफाई किया और मैं ये इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आपको आग्रह से एक ही प्रार्थना करूंगा कि ये जो 65% पॉपुलेशन है हिंदुस्तान यानी मुंबई और दिल्ली नहीं है, हिंदुस्तान यानी गांव में बसे हुए गांव गरीब मजदूर किसान जो 65% आबादी है उनके सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम हमारी सरकार कर रही है वही मुझे लगता है कि उसी की गति और मिलेगी और उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बन पाएगी और उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। और काफी हमारी योजना जो है वो रूरल सेंट्रिक एग्रीकल्चर सेंट्रिक। अभी एक ही बात बताता हूँ आपको, टूरिज्म। अब मैं देहरादून गया था, अब मैं देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, अब मैं जा रहा हूँ 15 दिन के बाद उद्घाटन के लिए तीरथपुर से, वो 3-3.5 घंटे में। यानी आप दिल्ली से मनाली आप 5.5-6 घंटे में जाओगे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। तो नेचुरली क्या हुआ इसका फायदा जो मेरे ध्यान में आया कि छोटा जो मिडिल क्लास लोअर क्लास था वो मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ, वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और टूरिज्म पे जा रहे हैं। केवल रोड अच्छा बनने से उत्तराखंड का टूरिज्म दुगना हुआ। अब टूरिज्म दुगना हुआ तो होटल रेस्टोरेंट्स मोटेल्स कार टैक्सीज बसेस सबके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा क्योंकि टूरिज्म में 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। तो अब हम जो काम कर रहे हैं रोड, मैं बात ही नहीं करता ज्यादा रोड की, अब रोड बनाने के बाद इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए टूरिज्म लॉजिस्टिक पार्क मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अभी हमने 1,30,000 करोड़ की हम 260 रोपवे केबल कार फाइनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। अभी मैं होटल के सामने से गुड़गांव तक वो मैं हवा में चलने वाली स्काई बस के प्रोजेक्ट का स्टडी कर रहा हूँ कि हवा में लोग जाएंगे बेंगलोर मुंबई और दिल्ली में ऊपर के ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ न्यू इनोवेशंस ये और रूरल डेवलपमेंट इन दोनों के विकास से हम विकास कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। 2024 हम जीतने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, रास्ता कठिन नहीं है, वो जो जॉइंट की आप बात कर रहे थे कोई बंप नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर इस फिलोसफी पे विश्वास रखता हूँ कि जो ज्यादा भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे टीचर मेरे पर बहुत गुस्सा करते थे, मेरी बैटिंग अच्छी थी पर मैं बहुत जल्दी जैसे आई लाइक उस समय मैं श्रीकांत हूँ कृष्णमाचार्य श्रीकांत एक प्लेयर थे वो जब वेस्ट इंडीज वगैरह बहुत ऐसी बैटिंग करता ना फिर मैं फारूक इंजीनियर मुझे लंदन में मिले, अब बहुत बूढ़े हो गए वो क्रॉस बैट से भी खेलते थे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि रन निकलने चाहिए और रन निकालते समय बैट्समैन ने सोचना नहीं चाहिए कि मैं कितने समय क्रीज पर हूं, बॉल आया कि मारो छक्का आगे चलते रहो वही स्पीड है आगे आगे देखो होता है क्या, चिंता मत करो। भविष्य की जो चिंता करते हैं वो दुखी होते हैं, हमने अच्छा काम किया है अच्छे ही परिणाम आएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में 24 में देश के विकास के लिए जनता हमको ही चुन कर देगी ये मेरा विश्वास है। Well, he's hit it out of the park. That's a sixer. Nitin Gadkari, ladies and gentlemen, put your hands together. Thank you very much, Mr. Nitin Gadkari.